इस विशाल सभा में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल यादव जी, श्री विनय रोहिला जी, हमारे उत्तराखंड प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जो रात दिन लगातार प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अनेक प्रकार से अनेक अनेक काम आगे बढ़ाते हैं, श्री ओम प्रकाश भट्ट जी, उत्तराखंड विधानसभा में रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और यही हमारे प्रवासी कार्यकर्ता के नाते अपना योगदान दे रहे हैं, इनकी बगल की विधानसभा में श्री शिव अरोड़ा जी, श्री गोपाल उनियाल जी प्रदेश सह संयोजक, श्री मनोज शर्मा जी सह संयोजक, श्री ईश्वर रावत जी, आन सिंह नेगी जी प्रवासी प्रभारी, श्री जय भगवान सैनी जी सामने बैठे हैं हमारे कार्यकर्ता, श्री रिशु भाटिया जी, सुरेश काला जी प्रधान कुमाऊं भारत मंडल, किशन सिंह बिष्ट जी जिला संयोजक, गंगा सिंह नेगी जी सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी, मंगलेश गंगवाल जी लोक गायक हमारे उत्तराखंड के, जगमोहन रावत जी गायक, चंद्र प्रकाश शास्त्री जी, अजीत यादव जी विधानसभा प्रभारी, विपिन यादव जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी रवि चाणक्य जी समेत सभी हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमारा बहुत पुराना इनसे परिचय है। मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है आज से लगभग 35 साल पहले जब हम बहुत बाल्यकाल में थे, लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैं शिक्षार्थी था तब से मेरा आपके साथ, हमारी बहन सहयोगिका थी और सभी हमारे यहाँ पर इस सभा में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सबका, आप सब लोगों ने मेरा यहाँ पहुंचने पर आपने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी देवभूमि उत्तराखंड के अभी आप सबके बीच में आकर मुख्य सेवक के नाते आप सबका मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी के बीच में अभी आप सबके यहां भारतीय जनता पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है श्री मुकेश शर्मा जी बोल रहे थे और उन्होंने बहुत मन से बात करी है आपसे और बड़ा लगाव उनका हमारे उत्तराखंड से है, उत्तराखंड वासियों से है, ये उनकी एक एक बात सुनने के बाद हम सब लोगों ने महसूस किया होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी हमारे उत्तराखंड से बहुत विशेष लगाव है और हमारे प्रधानमंत्री जी के हृदय में भी, सच बताऊं तो वैसे तो पूरे देश के जन जन के लिए वो काम कर रहे हैं लेकिन उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और हर समय कोई ऐसा अवसर वो छोड़ते नहीं है जब वो उत्तराखंड को आगे न करते। और मैं देख रहा हूं कि इस कार्यक्रम में हमारे अधिकांश भाई ब्रह्म कमल की टोपी उत्तराखंड की धारण करके आए हैं, मंच में भी दिख रहे हैं, मंच के सामने भी दिख रहे हैं और ये टोपी भी हमारी आज ये विश्व विख्यात टोपी हो गई है। और मैं सच बताऊं तो ये केवल कमल जी यही नहीं, दिल्ली बंबई कलकत्ता पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो लोग लगाते ही हैं। मैं पिछले वर्ष जब इन्वेस्टर समिट के संबंध में मैं लंदन गया इंग्लैंड में और सच बताऊं तो मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया, वहां भी यूके और ये हमारा उत्तराखंड भी यूके, इतनी टोपियां और हमारी बहनें जिस प्रकार से अपने हमारे जो परिधान है पारंपरिक परिधान, और आप लोगों ने तो धारण किए ही है, मैं आपका तो मैं नमन करता ही हूं लेकिन मैं इंग्लैंड में अपनी बहनों को देखकर, मातृशक्ति को देखकर और तो और हमारे छोटे छोटे बच्चे जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली ऐसे लोकगीत
इतने शानदार तरीके से और अपनी जो उनके पैतृक जो विरासत है उस विरासत को पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने 26 जनवरी 2022 को यही वाली टोपी धारण की थी और उसके बाद ये टोपी हमारी पूरे विश्व विख्यात हो गई। और आज भी मन की बात का कार्यक्रम हो रहा था, कोई कार्यक्रम होता है मैंने कहा कोई अवसर वो चूकते ही नहीं है। आज मन की बात में उत्तरकाशी का जिक्र कर रहे थे, जहां के प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए जहां के निवासियों ने, वहां के नागरिकों ने, वहां के युवाओं ने एक अभियान अपने हाथ में लिया है कि वो सब अपने गांव की सफाई प्रत्येक दिन प्रत्येक सप्ताह में एक अभियान चलाकर करते हैं। हर दिन दो दो घंटे का समय निकालकर उसको भी प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में आज जो है पूरी देश दुनिया के सामने रखा। कोई प्रकरण ऐसा होता आज चार धामों में इतनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या आ रही है। पिछले साल 2023 में संख्या थी हमारी 56 लाख और उससे पहले साल हमारी 45 लाख थी, यानी 45 लाख फिर 56 लाख और 56 लाख के बाद अभी यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई, दूसरा चरण प्रारंभ हो गया, तो 35 लाख से ज्यादा लोग अभी तक आ चुके हैं। जबकि आप देख रहे होंगे आपदाएं भी आ रही हैं, तमाम भूस्खलन भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है, हमको हर साल इन सबका एक बड़ी चुनौती के रूप में सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण जब से उन्होंने बाबा केदार में जाकर वहां लगातार उन्होंने प्रवास किया, रात्रि प्रवास किया, रात्रि को गुफा में उन्होंने रात्रि निवास किया, उसके बाद आने वालों की संख्या बढ़ गई। माणा के भारत का जिसको अंतिम गांव कहते थे माणा गांव, उस गांव में जाकर पूरे देश के सभी गांवों को उन्होंने कहा ये माणा गांव जिसको भारत का अंतिम गांव कहते थे अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, ये माणा अब भारत का पहला गांव। और माणा जैसे जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों का विकास पहले गांव के रूप में किया जाएगा। भाइयों बहनों, इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष, इतना ही नहीं पिछले वर्ष उन्होंने आदि कैलाश जॉली कॉन्ग 17,000 फुट की ऊंचाई पर, वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का जो आदि कैलाश है, बाबा शिव का धाम है, उस बाबा शिव के धाम के दर्शन करवाए, सबका ध्यान आकर्षित किया 17,000 फुट की ऊंचाई पर। तो हर प्रकार से हमारे उत्तराखंड को प्रमोट करते हैं। चार धाम ऑल वेदर सड़कें बन गई, आप देखिए आज यात्रा इतनी बड़ी इसलिए हो रही है कि आसानी से लोग 6 घंटे में ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। आप सब लोग यहां गुरुग्राम में हैं, दिल्ली में हैं, अभी इस साल के अंत तक या फरवरी माह तक जब देहरादून से दिल्ली की जो एलिवेटेड सड़क है उस सड़क का काम पूरा हो जाएगा तो 2 से 2.5 घंटे अधिकतम आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे, देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे। और मैं तो अभी कह रहा था, अभी मेरे कार्यक्रम में मुझे अनुपम खैर जी मिल गए, दीवान जो एबीपी न्यूज के एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। तो मैंने दीवान से पूछा कि दीवान जी आप काई से आए हो देहरादून, उन्होंने कहा मैं हवाई जहाज से आया हूं। मैंने कहा आने वाले समय में आप हवाई जहाज से नहीं आएंगे, आप सड़क मार्ग से आएंगे, क्योंकि आपको अगर आप दिल्ली से देहरादून जाने के लिए अपने घर से निकलेंगे तो कम से कम आपको 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ेगा, हवाई जहाज पकड़ना है तो 2 घंटे तो ये लग गए, 1 घंटा आपको हवाई जहाज की यात्रा में लग गया, 1 घंटा आपको बाहर निकलने में और अन्य चीजों में लग जाएगा, 4 घंटे तो ये होगा, और कम से कम 1 घंटा आपको फिर भी
वहां तक पहुंचने में लग जाएगा जहां आपको पहुंचना है। तो कुल घंटे कितने हो गए? 5 हो गए ना। तो मैंने कहा 5 घंटे में आप पहुंचोगे और रोड से जाओगे तो अधिकतम आपको 2.5 घंटे लगेंगे। तो आप क्या पसंद करेंगे? अगर आपको भी जाना होगा तो कैसे जाएंगे? रोड से। तो ये रोड किसके कारण से बन रही है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से। ऐसे अनेक काम, आज ऑल वेदर रोड है, भारतमाला श्रृंखला की सड़कें हैं, चाहे दूर संचार के टावर लगाने हैं, चाहे हमारे पर्यटक केंद्रों का विकास होना है, चाहे हमारे हवाई अड्डे बनने हो, देहरादून का हवाई अड्डा इतना अच्छा बन गया, आप देखेंगे। मेरे से एक बड़े भारत सरकार में मंत्री रहे, हमारे मित्र हैं, मुझे कह रहे थे कि इतना अच्छा हवाई अड्डा तो हमारा राजधानी का भी नहीं है, बड़े राज्य का, जितना अच्छा हवाई अड्डा आपका बन गया है। पंतनगर का हवाई अड्डा बनने जा रहा है, हमारी हवाई पट्टियां चल रही है। इतने अनगिनत काम है, मैं गिनाऊंगा तो कई घंटे आएंगे, लेकिन मैं आज तो आपके बीच में इसलिए आया हूं। मैंने कहा कि मुकेश शर्मा जी का भी आपसे लगाव है, आपका भी मुकेश शर्मा जी से लगाव है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी लगाव है, और हमारे नायब सिंह सैनी जी हमारे मित्र हैं, जो मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री है यहाँ के, और वो अभी तो कुछ दिनों पहले आए हैं, लेकिन तमाम उन्होंने निर्णय ले लिए, धड़ाधड़ एक के बाद एक निर्णय लिए हैं। लेकिन जब पूरे 5 साल के लिए सरकार में आएंगे तो आप निश्चित मानिए कि बहुत कायाकल्प यहाँ का करेंगे। और मुकेश भाई को आप जानते हैं, उनके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मुकेश शर्मा जी की 20-25 सालों से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आप सबके बीच में काम कर रहे हैं, आप भलीभांति परिचित हैं। जो व्यक्ति बिना विधायक रहते हुए इतनी सेवा कर सकता है, इतने काम कर सकता है, इतने लोगों के सुख दुख में खड़ा हो सकता है, हर एक घर घर से जिसका परिचय हो, आप ये मानिए कि वो विधायक बनकर कितना काम नहीं करेगा। इसलिए आप सब लोग एकजुट होकर 5 तारीख को मुकेश जी के लिए अपना समर्थन जुटाइए, और आपका एक एक वोट, कमल में गया आपका एक एक वोट न सिर्फ गुड़गांव के लिए बल्कि हरियाणा के विकास के लिए, उसकी समृद्धि के लिए भी काम करेगा। और पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम हुआ है। थोड़ा आप पीछे चले जाइए, 2014 से पहले हरियाणा की पहचान बन रही थी कि अपराधियों का हरियाणा, यहां घोटाले होते थे, बेटियों का कत्ल होता था, महिला अपराध होते थे, तमाम जमीनों के बड़े बड़े घोटाले होते थे, एक परिवार का राज चलता था, और परिवार के ऊपर भी एक परिवार का दिल्ली से राज चलता था, दामाद जी का चलता था, और बड़े बड़े डीलरों का काम चलता था। उस सबको बदलने का काम हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जो सरकार बनी उस सरकार ने काम किया है। यहां पर कितना भ्रष्टाचार होता था किसी से छुपा हुआ नहीं है, भ्रष्टाचार के दलदल में हरियाणा घुसा हुआ था, उस दलदल से बाहर निकालने का काम। कोई ये नहीं कह सकता है कि 10 सालों में, कई बार लोग कहते हैं, आपसे भी पूछते होंगे 10 सालों में क्या बदला। 10 सालों में हरियाणा में पारदर्शिता का शासन आया, कानून व्यवस्था पूरी तरह से मजबूत हुई, और जो गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को पहले नौकरी नहीं मिलती थी, पहले नौकरी मिलती थी जो नकल माफियाओं के साथ मिले हुए थे, जो पर्ची और खर्ची के सिस्टम में फिट बैठते थे उनको नौकरी मिलती थी। लेकिन डबल इंजन की सरकार आने के बाद 1.5 लाख नौकरियां मिली और एक भी पर्ची और खर्ची से नहीं मिली। और अभी आप देख रहे होंगे, जो लोग अभी मुकेश शर्मा जी कह रहे थे, कहते हम यहां उन हिंदुओं को नहीं रहने देंगे, कोई कहता है हम नौकरी तब अगर हमारी सरकार आएगी, तो वो अभी से कहने लग गए हैं विधायक के प्रत्याशी, जो विधायक के लिए खड़े हुए हैं, अभी विधायक बने भी नहीं है, विधायक बनने से पहले ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि अगर हमारी सरकार आएगी, हम विधायक बनेंगे, तो 2 लाख नौकरियों में से
कहते 2000 नौकरी तो अकेले मैं अपने नातेदारों को रिश्तेदारों को या जो लोग पर्ची खर्ची का सिस्टम चलाएंगे उनको देंगे। क्या आप ऐसी सरकार फिर से लाना चाहते हैं क्या? नहीं, नेवर। आप इस प्रकार की व्यवस्था को फिर से हरियाणा को उसी दलदल में धकेलना चाहते हैं क्या? नहीं, जोर से बोलिए, क्या उसी में धकेलना चाहते हैं? या मोदी जी के साथ जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उस सरकार को लाना चाहते हैं?